आज हम भी देख रहे हैं कई ममालिक हैं हमारे अच्छे खासे हैं, अचानक एक रात आती है अमन खौफ में तब्दील हो जाता है और रिस्क भूख में तब्दील हो जाता है। क्या आपने वो फ़ोटो कभी देखी जिसके ताल्लुक से बहुत मारूफ तस्वीर है, आप सबने शायद इंटरनेट पर देखी होंगी, एक बच्चा है छोटा सा और वो डूल रहा है, अफ्रीकन बच्चा है एकदम इतना दुबला कि शायद इतने दुबले बच्चे आपने कभी, और डूल रहा है और एक गिद्ध ऐसा बाजू बैठा हुआ है गिद्ध। ये युगांडा के एक इलाके में ली गई फ़ोटो थी जो मुस्लिम इलाका है, और लेने वाला एक फ्रेंच जो है जर्नलिस्ट था, इसने फ़ोटो ली थी और वहाँ उसका कहना था कई लाशें पहले से बिछी थी, इंसान ऐसे ही मरते थे, मरने के बाद गिद्ध उनको खा लेते थे। अब ये गिद्ध इंतज़ार में था ये बच्चा कब मरेगा और वह उसको खा लेगा सिर्फ भूख की वजह से। उसने वो तस्वीर ली थी जिस तस्वीर को उस ज़माने में जब उसने ली थी उसको अवार्ड मिला था कि सबसे बेस्ट फोटोग्राफी की जिसने ह्यूमन को या इंसानी समाज या उसकी एक तस्वीर खींची कि क्या हकीकत है अफ्रीका के अंदर कि एक बच्चा मरने पर है बैठा है और गिद्ध बाजू है इंतज़ार कर रहा है खा ले। वो शख्स वहाँ से गया उसको अवार्ड मिला और अगले साल उसने ख़ुदकुशी कर ली और कहा ऐसे दुनिया में जीना नहीं चाहता, गैर मुस्लिम था ईसाई था, जिस दुनिया में इंसान मर रहे हैं और गिद्ध देख रहा है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क यूरोप और अमेरिका का यह हाल है कि हम रिस्क को समंदरों में फेंकते ज़्यादती की वजह से फेंक देते हैं अनाज को। ये दुनिया सही सिस्टम और निज़ाम पे नहीं चल रही है, जहाँ एक मुल्क इतना ज़ायद है कि समंदरों में फेंका जा रहा है अनाज लेकिन गरीबों को नहीं दिया जा रहा, चूँकि अगर वो आगे बढ़ गए तो रेशियली जेनेटिकली ब्लैक्स जो है वाइट से मजबूत होते हैं, कौमी एतबार से मजबूत है और जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इतने सख्त और रग्ड इलाकों में दुनिया की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं आसानी। तो इन गोरों को ना अल्लाह के नज़दीक गोरा अफजल है ना काला जो है कोई मफजूल है, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर तकवा, लेकिन इनको डर लगता है कि अगर इनकी मदद करेंगे तो नस्लें हम पर हावी हो जाएंगी, इनको इतना दबाया गया सदियों से तो ये हम पर आज हावी है, जेनेटिकली हमसे स्ट्रांग है, ये हमसे ज़्यादा सख्त इलाकों में जीते हैं, इनकी नस्लें हमसे आगे बढ़ सकती है, तो लिहाजा इनके मुल्कों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। अफ्रीकन कंट्रीज़ को कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, हम प्रोग्रेसिव कंट्री में आते हैं, इंडिया तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की हो रही है और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, अमेरिका हो जाए यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ये किसने ग्रेडिंग दी उनको ही पता है वल्लाह वालम, लेकिन वो करते हैं और जिसके तहत इन नस्लों को दबाया जाता है। और हम लोगों को भी अफ्रीका वाले तो क्या तसव्वुर आता है, अफ्रीका वाले तो क्या तसव्वुर आता है, जंगली वहशी नंगे गलीज काले सबसे बुरे सबसे दरिंदगी पसंद लोग दुनिया के, है ना, ये आता है ना, जबकि आपको सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम बक तो रहे हैं हम खुद उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया का अगर कोई कॉन्टिनेंट बर्र अजीम है जिसको ओनली मुस्लिम कॉन्टिनेंट कहा जाता है सिर्फ मुसलमान कॉन्टिनेंट तो अफ्रीका है, इसके अंदर 25 मुस्लिम मुल्क है, मिस्र टूनेशिया लीबिया अल्जीरिया मराकश सूडान एरिटेरिया तंजानिया कॉन्गो युगांडा रवांडा, ये सब क्या ये मुस्लिम मुल्क है पूरे के पूरे, ये अलग बात है काले अफ्रीकी अब क्या उनकी वैल्यू, कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे खिलाफ हमारे भाइयों के खिलाफ एक चाल चलता और हम भी उसमें शामिल हो कि हाँ अरे सबसे गलत पूरी दुनिया में यही इमेज है ना अफ्रीका की। तो उस मुल्क को उसने कहा मैं ऐसी ज़िंदगी दुनिया में नहीं रह सकता जिसमें एक तरफ एक मुल्क अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करता और एक तरफ गिद्ध इंतज़ार करते हैं इंसानों के मरने का और उसके बाद वो खा लेते हैं। गिद्ध समझते हैं ना वल्चर, चील होती है एक बड़ी जो मुर्दा जब मर जाती है चीज़ें तो उनके ऊपर से वो जो है गोश्त खाती है निकाल कर, तो अंदाज़ा लगाइए। तो ये हालत है अदर की भुखमरी की और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तब ये हालत पैदा करता है जब हम गुनाह और मासियत करते हैं। याद रखिए फिर मैं दोबारा दोहराऊँ, वो लोग जो उस गुनाह के अंदर या जो सज़ा के अंदर है ज़रूरी नहीं कि वो सारे गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह ताला जब ऐसे गुनाह अजाब लाता है वजह कहीं ना कहीं मासियत और गुनाह होती। याद रखिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपील करूँगा कि आप ज़रूर हमारा तआवुन करें ताकि हम ऐसे वीडियोस और बना सकें और इससे आप और दीगर लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। आप अपना तआवुन अपना डोनेशन हमारे बैंक अकाउंट या वेस्टर्न यूनियन और दीगर इस किस्म के मोड से भी भेज सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भेजना है और आप कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ख्वाजा अलीमुद्दीन साहब से आप बात कीजिए उनके फ़ोन पर या ईमेल पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका तआवुन जो है सही काम में इस्तेमाल किया जाएगा और ये आपके लिए सवाब जारिया होगा। और एक बात हाँ, कोई भी रकम छोटी नहीं होती तो आप ज़रूर हमारा तआवुन करें। अल्लाह ताला आपके माल में जान में इज़्ज़त में और औलाद में बरकत अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।